दोस्तों आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हो टेक्निकल विकास भाई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम रील्स को रिमिक्स कैसे कर सकते हो 2024 के न्यू अपडेट में, ठीक है। तो इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको यहाँ रील्स वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, रील्स वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको रील्स शो के आएगी, तो आपको जो भी रील्स पे रिमिक्स करना है सिंपली वो रील्स को सिलेक्ट करना है। सपोज के लिए मुझे ये रील्स अच्छी लग रही है तो मैं ये रील्स को रिमिक्स करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखो कॉर्नर में थ्री लाइन्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, थ्री लाइन्स पर आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ रिमिक्स का ऑप्शन दिखाई, रिमिक्स पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप रिमिक्स पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो के आएगा। आपको थोड़ा सा वेट कर लेना, ये लोडिंग ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो मेरा रील जो है यहाँ से रिमिक्स हो चुका है। रिमिक्स होने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ ऐड क्लिप स्टिकर और टैक्स, आपको या तो स्टिकर ऐड कर सकते हो, तो क्लिप ऐड करना है तो क्लिप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से मैं आपको कोई भी एक स्टिकर ऐड करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सपोज मुझे ये स्टिकर अच्छा लग रहा है, ये स्टिकर को मैं यहाँ से ऐसा हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ से देख सकते हो आपका जो रील्स है रिमिक्स हो चुका है। अब यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हो, आपको यहाँ कुछ कैप्शन में लिखना है तो लिख भी सकते हो गाइस, और इसी तरह अपने रील्स को रिमिक्स कर सकते हो न्यू अपडेट में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मिलते हैं नई वीडियो में।